तो कैसे हैं आप सब लोग, कैरी गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन लोगों ने मनी प्लांट लगा रखी है उनकी मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर जाती हैं या अचानक से उनकी मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो बहुत परेशान है। तो आप मेरे हाथ में ये जो चीज देख रहे हैं ये हमारे घर में ही मिलने वाली चीज है, किचन में ही मिल जाती है, यानी कि प्याज। तो हमें सिर्फ इसका फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। एक बार इस्तेमाल इसका कर लो तो जो मनी प्लांट की जो अचानक से जो ग्रोथ रुक जाती है, तो ना तो इससे ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ इससे बहुत तेजी से होने लगेगी, मनी प्लांट 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। और जो मनी प्लांट की जो पत्तियां पीली होने का कारण है, पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, तो इससे पत्तियां भी नहीं पीली होंगी, आपकी मनी प्लांट खूबसूरत और चमकदार रहेगी। आपने मनी प्लांट घर के बाहर या अंदर, यानी कि आउटडोर या इंडोर दोनों ही तरीके से आपने लगा रखी है मनी प्लांट, तो बहुत अच्छे से लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी गोल्डन वाली मनी प्लांट है, लेकिन इसके सबसे पहले हम केयर टिप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फर्टिलाइजर बताने से पहले। तो मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो दो तरीके से पीली होके गिर जाती हैं, इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आप ध्यान रखें, ये जो हमारी जो मनी प्लांट है मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर देखिए जो धूप बनी है ये डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। कभी भी घर के बाहर आप अपनी मनी प्लांट को रख रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप आएगी जो हमारी मनी प्लांट पर, जो हमारी मनी प्लांट की जो लीव्स यानी पत्तियां वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होना शुरू हो जाता है, तो फिर पत्तियां वो गिर जाती हैं, पहला कारण है, और पत्तियां फटने भी लगती हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि लगातार हम अपनी मनी प्लांट में पानी डालते रहेंगे, वैसे भी हमारी मनी प्लांट जो धूप में रखी है उसमें हमने पानी डाल दिया, तो इससे मनी प्लांट के जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं, मनी प्लांट की बेल पीली होके मर जाती है। तो देखिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, जब भी आप अपनी मनी प्लांट को पानी दें तो आप उसे अच्छे से चेक कर लें, उसकी जो मिट्टी है उसे चेक करें, अगर उसमें ऊपर से मिट्टी सूख रही है तब आप उसमें पानी दें। और धूप का विशेष ध्यान रखें, धूप आप अपनी मनी प्लांट पर देखिए, सुबह की धूप आ जाए कोई दिक्कत नहीं, शाम की आ जाए कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। आप ऐसी लोकेशन पे मनी प्लांट को रखें जहां पर हल्की सी धूप आती हो बस। अब देखिए घर के अंदर की बात करें, यानी कि हम आउटडोर या इंडोर की, तो देखिए आप इसे घर के अंदर मनी प्लांट को रखते हैं तो आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आप अंधेरी जगह पे आप इसे बिल्कुल भी ना रखें। आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर भी ये मनी प्लांट बहुत तेजी से चलने वाले पौधे होते हैं, तो काफी अच्छे से ये ग्रोथ भी करते रहते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाती है, क्योंकि जब ज्यादा धूप आती है हमारी मनी प्लांट पर और या हम ज्यादा पानी डाल रहे हैं तो जड़ गलना चालू हो जाती है और बेल जो मनी प्लांट की है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है, तो ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक छोटे से गमले में दो तरह की मनी प्लांट लगा रखी है, जो कि मार्वल ग्रीन मनी प्लांट है और गोल्डन वाली। यहाँ पर देखिए हमने इसकी कटिंग लगाई थी और इन दोनों कटिंग बहुत तेजी से चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर भी धूप नहीं है, ज्यादा धूप नहीं है, हल्की सी बस धूप आ रही है, तो ये इसके लिए सही है। इसके अलावा मनी प्लांट पर जो मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उन पर सुबह शाम हमें पानी का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि आप ये जो मनी प्लांट की पत्तियां देख रहे हैं काफी चौड़ी हैं, मनी प्लांट खूबसूरत और चमकदार बनी है, लेकिन हमने इस पर पानी का स्प्रे भी किया हुआ है। मनी प्लांट पर स्प्रे करने से मनी प्लांट एक तो खूबसूरत चमकदार रहती है, दूसरी चीज मनी प्लांट की पत्तियां भी साफ रहती है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक प्याज ली है जो कि फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए। आपको अपनी किचन से एक प्याज लेनी है। अब देखिए इसमें से हम होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के तैयार करेंगे, यानी कि ऑनियन पील फर्टिलाइजर। तो इस पे जो छिलके बने हुए हैं प्याज के, जो उपल्ला जो सिरा है जो छिलका है उसे हमें प्याज से अलग कर लेना है। तो जब छिलकों को हम अलग कर लेंगे तो इससे देखिए हमारी जो मनी प्लांट पे जो बेनिफिट मिलते हैं, इससे देखिए एक तो हमारी मनी प्लांट की जो ग्रोथ रुकी है वो ग्रोथ होने लगेगी, अचानक से जो ग्रोथ रुक जाती है मनी प्लांट की जो पीला होने का ये भी कारण है, या उसकी जल गल जाती है, तो ये चीज पौधे का बहुत अच्छे से विकास करती है, तो जड़ नहीं गलेंगी इससे। तो यहाँ पर हमने देखिए 200 ml पानी लिया हुआ है और एक प्याज ली है। अब हमको करना ये है इस प्याज के छिलकों को हमें उतारना है।
इन छिलकों में से ही हम ऑनियन पील फर्टिलाइजर बना के तैयार करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि 200 ml तो हमने पानी लिया है और एक प्याज के छिलके हमें उतारने हैं। तो देखिए, इसमें जो मूल्य पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन भी होती है इसमें, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो हमने 200 ml पानी लिया हुआ है, इसमें एक प्याज के पूरे छिलके हमने इसमें डाल दिए। लगभग 24 घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ेंगे जिससे हमारा जो ऑनियन पील फर्टिलाइजर है वो बनके तैयार हो जाए और इसे हम अपनी मनी प्लांट में यूज कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और ये जो हमारा फर्टिलाइजर है आप देख सकते हैं, ये अब बनके तैयार है। जो इसमें मूल पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें, इस पानी के अंदर, वो अच्छी तरीके से 24 घंटे में रिलीज हो चुके हैं। जो प्याज के छिलकों में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो इस पानी के अंदर 24 घंटे में अच्छे से रिलीज हो गए हैं। अब देखिए पानी का जो कलर है वो भी बदल गया। अब इसमें जो छिलके हैं इन्हें देखिए हम अब अलग कर देंगे। देखिए छिलकों को भी यूज करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इन्हें हम अलग कर लेंगे और फिर हमें पानी की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने और भी पानी लिया हुआ है क्योंकि इसे हम डायरेक्ट अपनी मनी प्लांट में नहीं डाल सकते। जो 200 ml जो हमने फर्टिलाइजर तैयार किया है इसे देखिए हम 1 लीटर पानी में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लीटर थोड़ा कमी है, तो उसमें देखिए हम इस पानी को डाल रहे हैं। तो इसे जैसे ही हम मिक्स कर लेंगे, अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से तैयार है। अब इसे मिक्स कर देने के बाद में इसे हम अपनी मनी प्लांट में डाल सकते हैं। तो इससे देखिए मनी प्लांट की ग्रोथ जो रुकी है अचानक से वो होने लगेगी। मनी प्लांट की ग्रोथ तो होगी लेकिन उस पर चमक भी खूब रहेगी, पत्तियां नहीं फटेंगी। अब देखिए इसे हम मनी प्लांट में तो डालेंगे लेकिन जो प्याज के जो छिलके हैं, तो देखिए या हम मनी प्लांट में भी उन्हें साइडों में लगा सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से डीकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि हम गुड़ाई करके हल्की सी जो प्याज के जो छिलके हैं उन्हें दबा दें मिट्टी में, तो 15 से 20 दिन के अंदर वो डीकम्पोज हो जाते हैं और हमारे जो मनी प्लांट है इसी तरीके से जैसे इस फर्टिलाइजर से हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ होगी तो इसी तरीके से उससे होने लगेगी। तो ये दोनों ही तरीके देखिए मैंने आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है ये देखिए हमने अपनी मनी प्लांट में डाल दिया, लेकिन हमारी मनी प्लांट में फर्टिलाइजर की जरूरत थी और ऊपर से इसकी मिट्टी जो सूखने लगी थी यानी कि सॉइल, तब हमने इसमें ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है मनी प्लांट को कैसे आप घना कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में प्याज की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी दी हुई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक आपने कैरी गार्डन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।